मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पहले तो आप सबने जो मेरे लिए कष्ट उठाया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। 6 तारीख से लेकर अभी तक इतना कष्ट आप लोगों ने उठाया, लेकिन एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि एक बुक मिलती है जहाँ पे परलो और पेरोल के बारे में लिखा गया है, उसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं। तो जो भी करने से पहले मैं आप सब प्रेस वालों को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बुक पढ़ें और फिर उसके बारे में आपको जो भी कहना है आप कहें। यू नो इट्स अ बुक ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ पेरोल एंड परलो। पहले मैं परलो पे आया था, अभी मैं पेरोल पे आया हूँ और रोज़ हर जेलों से लोग परलो पे निकलते हैं, पेरोल पे निकलते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं कि मेरे पे कोई फेवर किया गया है। देशमुख साहब एक आईएएस ऑफिसर हैं, बहुत बड़े, एंड इज रिस्पॉन्सिबल, इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। उनके पास 300-400 पेरोल एप्लीकेशन आते हैं और वो उन्होंने बहुत सोच समझ के ये चीज़ की है और मेरा एप्लीकेशन रिफ़र करने के लिए भी वापस भेजा है और उस रिफ़र करने के बाद पुलिस रिपोर्ट गई है, डॉक्टर का रिपोर्ट गया है और इसी वजह से मैं पेरोल पे हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं कि मुझे कुछ फेवर किया गया। ही इज़ अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर एंड आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। जेल अथॉरिटीज़ ने भी बहुत सोच समझ के किया है, जो हर कैदी के साथ वो लोग करते हैं वैसे ही मेरे साथ करते हैं, किया है, एंड आई अप्रिशिएट दैट ऑल्सो। एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि माई वाइफ शी हैज़ बीन डिटेक्टेड विद अ ट्यूमर ऑफ द लिवर और उसकी जाँच की जाएगी। मेरे फैमिली में कैंसर के बहुत लोग किस्से हो चुके हैं ऑलरेडी, मेरी माँ के साथ, मेरी वाइफ के साथ, ऋचा शर्मा के साथ। और बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ, मैं आप सबसे कहता हूँ प्रार्थना करें कि ऐसी कोई बात नहीं हो कि कुछ कैंसर वैंसर डिटेक्ट हो जाए, लेकिन जाँच करने के बाद जो भी पता चलेगा और जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट होगा वो हम लोग करेंगे और बिल्कुल करेंगे। और एक और बात कहना चाहता हूँ कि मेरी माँ जो कैंसर में थी उन्होंने राज्यसभा अटेंड किया, ऋचा जो कैंसर में थी उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों का बच्चे का ख्याल रखा। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जो आदमी मरने की हालत पे हो तो उसे पेरोल मिलता है, जो ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी जीता है चाहे जो भी बीमारी हो। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ प्रे फॉर माई वाइफ and I request my fans to pray for her that everything is okay still and मैं आपसे request करता हूँ कि बस पिछली time की तरह जिस तरह आपने मुझे respect की थी और मेरी बात सुनी थी, इस बार भी आप करें ताकि मैं अपनी जितना भी time मुझे मिला है अपनी wife के साथ बिता सकूँ और जो भी tests हैं वो मैं कर सकूँ। and I thank you and I respect you and I love the press and I love the people of the country. Thank you. Okay. आदमी जैसे कि कैंसर पेशेंट हो, जो हार्ट पेशेंट हो, ऐसी बात नहीं कि वो घर पे ही बैठा रहता है, वो भी बाहर जाता है, अपना काम करता है जब तक ऑपरेशन नहीं हो और जब तक जांच नहीं की जाए कि वो लिवर में जो ट्यूमर है वो है क्या। तो एटलीस्ट मैं आज ही आया हूँ, तो अभी कल संडे है तो मंडे से हम लोग जो जांच करना है वो करेंगे और बस वही मैं बोल रहा हूँ, प्रार्थना कीजिए कि सब सही हो जाए।